नमस्कार दोस्तों, एसएल गुरुजी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही उत्तम व शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूँ, जो कि अपने आप में अनोखा है और अत्यंत दुर्लभ है, और जिसकी इन दिनों सबसे ज़्यादा जो मुझे को मैसेज आए हैं, कॉल आए हैं, वो इसी संबंध में आए हैं। ज़्यादातर ये है कि आप गुरुजी ऐसा कोई उपाय बताइए कि एक साथ कई लोगों को वशीभूत किया जा सकते हैं। जैसे कि लड़का है, अपने परिवार वालों को मनाना चाहता है अपने प्रेम विवाह के लिए, अपने साथी के लिए, तो वह नहीं मान रहे हैं, तो उनके लिए। लड़की है, अपने परिवार वालों को मनाना चाहती है प्रेम विवाह के लिए, अपने साथी के लिए, तो वह नहीं मान रही। या लड़का लड़की दोनों चाहते हैं अपने प्रेम विवाह के लिए अपने परिवार को मनाना, और वह ऐसे एक प्रयोग की डिमांड कर रहे हैं कि गुरु जी कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम अपने परिवार को मनाकर एक साथ हो सकें। इसके साथ ही साथ कुछ एक बहनों के फ़ोन आए हैं, उन्होंने कहा है कि गुरुजी हमारे लाख जाने वाले, मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी लाख कोशिश करने के बाद ना ही मेरे पति खुश रह पाते हैं। अगर पति को खुश करती हूँ तो परिवार वाले रूठ जाते हैं, अगर परिवार वालों को खुश करती हूँ तो पति रूठ जाते हैं। तो गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताए कि मैं सबको सीमित रख सकूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार खुशी से रहे और सभी मिलजुल के रहे। तो आज का जो उपाय है, थाली में यंत्र और बनाकर और एक मंत्र बोल दीजिए। वास्तव से मैं कहता हूँ 100% आपका कार्य हो जाएगा, और जिस किसी को भी आप चाहते हैं वह आपकी बात मानेगा और आपको चाहेगा, आपको प्रेम करेगा। मित्रों, विधि आगे बताने से पहले मैं कहूँगा, अगर अब तक आपने हमारा एसएल गुरुजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टूट के वे मंत्र बता पाएं। करना क्या है, आप किसी भी दिन रविवार को छोड़ के इस कार्य को कर सकते हैं। आपको एक ऐसी थाली लेनी है जो घर में सबसे पुरानी हो, यानी कि आपकी शादी के बाद हो, और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हो उनके बचपन से हो। एक ऐसी थाली होती है घर में जिसमें किसी ना हर बार किसी ना किसी ने किस तरीके से, मतलब घर के सभी सदस्यों ने खाना खाया हुआ होता है। तो इसलिए आपको एक घर की थाली लेनी है, वह चाहे स्टील की हो, कांसे की हो, तो चलेगा। एक थाली होनी चाहिए, और आपको लाल चंदन आता है उसे चमेली के तेल से एक लेप तैयार कर लेना है, शाही तैयार कर लेनी है, और आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। दिन में किसी भी समय आप इस कार्य को कर सकते हैं। दिशा का निर्धारण है उत्तर पूर्व के बीच का जो कोण है, उस दिशा की तरफ मुख करके बैठे, वस्त्र नहा धोकर स्वच्छ होकर बैठे, आसन कोई भी लगा सकते हैं, जमीन भी आपका कोई भी अंग न छुए, मन को शुद्ध रखिए, स्वच्छ रखिए, और विचार हमेशा स्वच्छ व अच्छे रखिए। आपको करना है कि सर्वप्रथम अपनी जो तर्जनी उंगली है, इससे आपको एक यंत्र थाली के अंदर बनाना, किस तरीके बनाना वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसके अंदर इस तरीके से सबसे पहले आपको एक चौरस डिब्बे का निर्माण करना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख लिए, विधि पूर्वक आपको इस कार्य को करना है, किसी प्रकार की कमी न रखें इसके अंदर, ठीक है। उत्तम रूप से आपको इस कार्य को करना है बिल्कुल, और ध्यान लगाकर जिन किसी को भी आप वश में करना चाहते हैं उनका नाम लेते रहें, उनकी चेतना करते रहें, उनको मन ही मन खुश करने के बारे में सोचते रहिए, और अच्छे विचार रखिए, और आप ऐसा महसूस करें कि मेरा जब यह कार्य संपन्न हो जाएगा तो वह लोग मुझसे कितने प्रेम से बात करेंगे, ये विचार आपके मन में चलना चाहिए, ना कि द्वेष भावना से आप इस कार्य को करें, ठीक है। अब इसके बीच में आपको जो स्क्रीन पर तीन शब्द दिखाई देंगे वे आपको लिखना है, मन, तन, तन। बिल्कुल इसी तरह ये सूखने के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इसके, ये माँ माँ के ऊपर बिंदी, यह दा के ऊपर बिंदी, और ये दा के ऊपर बिंदी, इस तरीके से आपको लिखना है। और लिखने के बाद आपको यहाँ घी का दीपक जलाना है, घी का दीपक जलाकर एक मंत्र का लगभग 111 बार उच्चारण करना। मंत्र इस तरीके, ओम त्रिलोचनाय सर्व जन वश्य कुरु कुरु स्वा। मंत्र में एक बार फिर से बोलना, जो ओम त्रिलोचनाय सर्व जन वश्य कुरु कुरु स्वा, इस मंत्र का आपको लगभग 111 बार उच्चारण करना, और 11 बार उच्चारण करने के बाद, मित्रों मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस कार्य को इसी तरीके, इस मंत्र को आपको इसी थाली में लिखना है, और 3 दिन इस कार्य को लगातार करना है। मैं 3 दिनों के भीतर कहता हूँ कि मित्रों ऐसा चमत्कार होगा, धोकर इस थाली को आप स्वच्छ उन्हीं बर्तनों में रला दीजिए ताकि किसी को पता ना चले। 3 दिनों के भीतर आपके परिवार वाले आपकी हर बात मानेंगे, जैसा आप चाहोगे वे वैसा कार्य करेंगे, चाहे प्रेम विवाह करवाना चाहते हैं, चाहे सास ससुर है, हर कोई आपकी बात मानेगा, दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन दिल से करें, सच्चे दिल से करें। अगर किसी कारणवश आप इस कार्य को करने में विफल रहते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानें तो मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए, इससे मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।